नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, इस वीडियो में अनबॉक्सिंग करने वाली हूँ Realme C21Y की और साथ में करेंगे इसका रिव्यू और साथ ही साथ करेंगे इसका कैमरा टेस्ट, गेमिंग टेस्ट। तो चलिए गाइस, वीडियो को फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। तो देख लेते हैं बजट के हिसाब से ये फोन कैसा है, कैमरा टेस्ट, गेमिंग टेस्ट कुछ आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए गाइस, वीडियो को फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। बॉक्स के अंदर ओवरऑल आपको इतना सामान देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको कुछ यूजर मैनुअल गाइड मिल जाता है, यहाँ पे आपको चार्जिंग के लिए माइक्रो यूएसबी पोर्ट देखने को मिल जाता है और इसके साथ आपको 10 वॉट का अडेप्टर देखने को मिल जाता है और इसके अंदर आपको एक सिम टूल इजेक्टर देखने को मिल जाता है। पैकिंग आपको कुछ इस टाइप की देखने को मिलती है और आप इस मोबाइल का लुक देख सकते हैं। आपको यहाँ पे बैकग्राउंड में ट्रिपल कैमरा देखने को मिल जाता है और यहाँ पे एलईडी फ्लैशलाइट देखने को मिल जाती है और यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाता है और बैक डिज़ाइन आप यहाँ पे देख सकते हैं और यहाँ पे आपको स्पीकर देखने को मिल जाता है और यहाँ पे रियलमी की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है और बैक डिज़ाइन आपको यहाँ पे स्क्रैचलेस देखने को मिलता है। काफ़ी प्यारा लुक है और इसमें आपको दो कलर देखने को मिल जाते हैं, क्रॉस ब्लू और क्रॉस ब्लैक। और बैक साइड आपको प्लास्टिक का देखने को मिल जाता है और फ्रेम भी आपको प्लास्टिक का देखने को मिल जाता है और फ्रंट आपको ग्लास का देखने को मिलता है। तो बॉटम की बात कर ले तो यहाँ पे आपको चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाता है, माइक्रोफोन देखने को मिल जाता है, 3.5 mm का ऑडियो जैक देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको ट्रिपल कार्ड स्लॉट देखने को मिल जाता है, दो आपकी सिम के लिए और एक आपकी एसडी कार्ड के लिए। और बॉटम में आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। और यहाँ पे राइट साइड की बात कर ले तो राइट साइड में आपको यहाँ पे वॉल्यूम अप बटन, डाउन बटन और पावर बटन देखने को मिल जाता है। तो चलिए फटाफट से मोबाइल को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये रहा आपके मोबाइल का फर्स्ट लुक, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस देखने को मिल जाती है जिसको आप यहाँ पे अनइंस्टॉल कर सकते हैं। बाद में इस स्टेप से आप यहाँ पे इसको अनइंस्टॉल कर लेंगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ब्लॉटवेयर देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पे सेटिंग की बात कर ले तो सेटिंग आपको कुछ इस टाइप की देखने को मिल जाती है। तो फ़ोन का रिफ्रेश रेट आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाता है और यहाँ पे एप्लीकेशन का रिस्पांस आप देख सकते हैं, ओपन होने में ज़्यादा टाइम नहीं ले रहे हैं, ठीक वर्क कर रहे हैं। मोबाइल की मोटाई आपको 9.1 mm की देखने को मिल जाती है और अगर वेट की बात कर ले तो 194 ग्राम का वेट इसमें देखने को मिल जाता है। और इसमें आपको दो वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं, 3/32 और 4/64। ये मोबाइल आपको 9,990 का पड़ेगा। इस मोबाइल में आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है और एक खास चीज़ और कि ये रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट करता है। तो अब बात कर लेते हैं डिस्प्ले की। तो यहाँ पे आपको IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाता है 400 nits टाइप के साथ। डिस्प्ले साइज की बात कर ले तो 6.5 इंच का डिस्प्ले देखने को मिल जाता है जिसका रिजोल्यूशन है 720x1600 पिक्सल 270 PPI डेंसिटी के साथ, यानी कि HD+ डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाती है। तो चलिए फटाफट से साउंड की टेस्टिंग कर लेते हैं। साउंड यहाँ पे आपको काफ़ी लाउड स्पीकर देखने को मिल जाता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं बैक साइड में आपको स्पीकर देखने को मिल जाता है, बहुत ही लाउड है। इस मोबाइल में आपको एंड्रॉयड 11 देखने को मिल जाता है और OS आपको रियलमी UI वर्जन देखने को मिल जाता है। तो बात कर लेते हैं प्रोसेसर की। तो यहाँ पे यूनिसॉक T610 का इस्तेमाल किया गया है जो कि 12 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है। ये एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर है। और अगर बात कर लेते हैं GPU की तो यहाँ पे माली G52 का इस्तेमाल किया गया है। अगर बात की जाए गेमिंग परफॉर्मेंस की तो PUBG, फ्री फायर जैसे गेम आप लाइट मोड में आसानी से खेल सकते हैं। तो चलिए फटाफट से फिंगरप्रिंट की टेस्टिंग कर लेते हैं। तो फिंगरप्रिंट आप यहाँ पे देख सकते हैं प्राइस रेंज के हिसाब से अच्छा काम कर रहे हैं। तो चलिए फेस लॉक की टेस्टिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फेस लॉक भी इसका बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो बात कर लेते हैं सेंसर्स की। तो यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, प्रॉक्सिमिटी और कंपास देखने को मिल जाते हैं। इस मोबाइल में आपको NFC देखने को नहीं मिलता है। तो चलिए बात कर लेते हैं कैमरा की। तो यहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरा देखने को मिल जाता है। जो इसका मेन कैमरा है वो आपको 13 MP का देखने को मिल जाता है, 2.2 अपर्चर के साथ वाइड कैमरा। जो इसका सेकंड कैमरा है ये आपको 2 MP का देखने को मिल जाता है, 2.4 अपर्चर के साथ मैक्रो कैमरा। और जो इसका थर्ड कैमरा है ये भी आपको 2 MP का देखने को मिल जाता है, 2.4 अपर्चर के साथ डेप्थ कैमरा। और वीडियो रेजोल्यूशन की बात कर ले तो 1080p की वीडियो आप 30 FPS के साथ शूट कर सकते हैं। 5 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, 2.2 अपर्चर के साथ वाइड कैमरा। यहाँ पे आपको सबसे पहले वीडियो मोड देखने को मिल जाता है और यहाँ पे जब आप इसको ऐसे टच करके रखेंगे तो इसको आप जूम करके वीडियो ले सकते हैं और यहाँ पे आप फोटो ले सकते हैं। कैप्चर मोड दे रखा है यहाँ पे। यहाँ पे आपको पोर्ट्रेट मोड देखने को मिल जाता है और मोर पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको बर्स्ट मोड देखने को मिल जाता है। फिल्टर आप यहाँ पे लगा सकते हैं,
टाइम लैप्स देखने को मिल जाता है, प्रो मोड देखने को मिल जाता है और यहाँ पे पैनोरामा देखने को मिल जाता है। स्लो मोशन इस मोबाइल से आप शूट कर सकते हैं, आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाता है और मैक्रो लेंस का ऑप्शन देखने को मिल जाता है यानी कि मैक्रो कैमरा, और नाइट प्रो का ऑप्शन देखने को मिल जाता है यानी कि नाइट मोड। ठीक है, तो यहाँ पे इतने फीचर आपको देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए फटाफट से कुछ रैंडम क्लिक्स ले लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कैमरा कैसा है। ये फोटो मैंने लो लाइट में ली है बैक कैमरे से, और ये मैंने फ्रंट कैमरे से ली है लो लाइट में फोटो, और ये फ्रंट सेल्फी कैमरे की वीडियो है डे लाइट की, और ये सेल्फी कैमरा है इसका, और इसकी क्लियरिटी आप यहाँ पे देख सकते हैं, डे लाइट की फोटो है। और ये पोर्ट्रेट मोड है बैक साइड का, और यहाँ पे आप देख सकते हैं पोर्ट्रेट मोड इसका कुछ खास नहीं है, बैकग्राउंड में इसको ब्लर होना चाहिए था बहुत ही अच्छा खासा, लेकिन हुआ नहीं। और ये डे लाइट का बैक कैमरा है, और इसका आप यहाँ पे कलर करेक्शन देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, बहुत ही प्यारा कलर करेक्शन है। और ये डे लाइट की वीडियो है बैक कैमरे से, तो प्राइस रेंज के हिसाब से कैमरा इसका ठीक ठाक है। तो आई होप गाइस ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। इसी टाइप के और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल पर विजिट करते रहिएगा। चलिए मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।